मॉर्निंग गाइस अभी हम मॉर्निंग में गए थे एडला स्टेपवेल वाव में, जिसे हम बावड़ी कहते हैं कुआ, और वहाँ की जो वास्तुकला थी एक नंबर थी, देखने लायक थी। सो अगर आप कभी अहमदाबाद में आते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। अभी हम और एक जगह पे आए हुए हैं, वो जगह है दादा हरिणी वाव, जिसे वही सेम है कुआ या फिर आप बोल सकते बावड़ी। अभी यहाँ का जी जो वास्तुकला और संरचना मुझे सेम टू सेम दिखाई दे रही है जैसे हम गए थे एडलास स्टेपवेल वाव में। और यहाँ पे जो टिकट प्राइस है वो निःशुल्क है, और एडलास में हम गए थे वहाँ पे टिकट प्राइस था पर पर्सन 25 रुपीस। सो अगर आप अहमदाबाद में आते हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ का भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे आना कैसा है। अगर आप अहमदाबाद स्टेशन से आ रहे हो तो वहाँ से यहाँ पे ऑटो फेयर है लगभग 30 to 40 रुपीस। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो यहाँ के ऑटो फेयर चार्जेस है 150 रुपीस। सो गाइस स्टार्ट करते दादा हरिणी वाव व्लॉग। दादा हरिणी बावड़ी अहमदाबाद में एक खास तरह का सीढ़ियों वाला कुआं है, जो मध्यकालीन गुजरात की साझा संस्कृति का गवाह है। वाव को अक्सर एक हिंदू स्मारक समझ लिया जाता है, क्योंकि इसके साथ हरि नाम जुड़ा हुआ है, जो विष्णु के कई नामों में से एक नाम है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका निर्माण गुजरात के सुल्तानों के समय सुल्तान के हरम की देखरेख करने वाले ने करवाया था। गाइस अभी हम यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। ये जो बावड़ी है वो लगभग 500 साल पुरानी बावड़ी है, और इसे महमूद बेगड़ा के शासनकाल में बनाया था। और इस वाव के निर्माण सटीक वर्ष के बारे में अभी तक आइडिया नहीं है। अगर आप फारसी शिलालेख देखोगे तो इसे 1485 में बांधा था, अगर आप संस्कृत शिलालेख देखोगे तो इसे 1499 में बांधा था। इस वाव को बाई हरि सुल्तानी ने बनवाया था, जो शाही हरम की अधीक्षक थी और महमूद बेगड़ा की घरेलू महिला थी। सुल्तानी मस्जिद में उनकी कब्र दादा हरि वाव के पीछे ठीक पीछे है। वहाँ पे हम कुछ समय के बाद जाने वाले हैं और वो दरगाह देखने वाले हैं। अभी बात करते हैं कि ये बनाने में लगभग कितना खर्च लगा। उस टाइम पे 3,29,000 महमूदी लगी थी। महमूदी मतलब उस टाइम पे धनराशि थी जो आज के समय में 1,00,000 रुपया है। सो गाइस अभी हम बावड़ी एक्सप्लोर करते हैं। इस परिसर में एक मस्जिद, एक मकबरा और वाव या बावड़ी है। ये बावड़ी 5 मंजिला है और इसकी गहराई 32 फुट है। ये बावड़ी बालुआ पत्थर की बनी है और इसके निर्माण में सोलंकी वास्तुकला का काफी प्रभाव है। बावड़ी की 8 कोने वाली मध्य शाफ्ट अपने आप में काफी गहरी है। सतह पर बावड़ी 190 फुट लंबी और 40 फुट चौड़ी है। बावड़ी के एकदम सामने दादा हरिणी मस्जिद और बाई हरिणी सुल्तानी का मकबरा भी है। बावड़ी और मस्जिद उन्होंने ही बनवाई थी। मकबरा और मस्जिद हालांकि बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी बनावट बहुत सुंदर है। दोनों के गुंबद इस्लामिक वास्तुकला के नमूने हैं, जो सुंदर नखकाशी वाली मीनारों पर खड़े हैं। इनमें झरोखे और छतें भी हैं। यहां आम हिंदू प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देते हैं, लेकिन इस्लामी परंपराओं को देखते हुए इनमें इंसानों और जानवरों की आकृतियां नहीं बनाई गई हैं, हालांकि हाथी जैसे पशुओं का कुछ चित्रण मिलता है। यह चित्रण बावड़ी के ऊपरी स्तरों पर ही दिखाई देता है।
रात का ब्लॉक हो गया है, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अभी यहाँ पे हमने कुछ सिनेमेटिक शॉट भी लिए और फोटो भी खींचा है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो अपनी फ़ोटो एंड सिनेमेटिक वीडियो ले सकते हो। अभी ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है, अगर आप अहमदाबाद में आते हो तो आप यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो रेगुलर मिलते रहे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।